हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अब लिटरेचर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ, फिर हम आज के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा यहाँ पे पहला आर्टिकल आया है वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 के बारे में। देखो, एक यूके की एक कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इसके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो 2018 का रिलीज किया गया है। अब हम बताएं इसके बारे में कि है क्या इंडेक्स। देखो, ये इंडेक्स ये बताता है कि कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी किस लेवल पे है। डेमोक्रेसी का आपको पता है कि अलग अलग लेवल होते हैं, तो उन्हीं को लेके इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो 5 पैरामीटर के आधार पर मतलब डिसाइड है, वो क्या जाता है कि भाई उस देश में डेमोक्रेसी का लेवल है वो कैसा है और इंडिया का इसमें क्या स्टेट मतलब इंडिया के क्या हालात रहे उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, देखो रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लेना। एक तो है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लुरलिज्म, दूसरा है सिविल लिबर्टीज, और तीसरा है द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, चौथा है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और पांचवा है पॉलिटिकल कल्चर। मतलब इन 5 पैरामीटर्स के आधार पे डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई इंडिया का क्या हाल रहा है। देखो, इंडिया की जो रैंकिंग है वो रही है 41 नंबर पे, जो कि लास्ट ईयर से ठीक ठाक है, 1 नंबर पे, मतलब लास्ट ईयर से कंपेरिजन में तो वो ठीक है। इसके बाद में इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया को स्कोर मिला वो मिला 7.23, तो ये यहाँ पे स्कोर की बात की गई है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि इंडिया को फ्लेवर्ड डेमोक्रेसीज की कंट्रीज में लिस्ट में या कैटेगरी में रखा गया है। तो क्या होती है फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी, या हम बात करें त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, आपको पता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी तो है, इंडिया में जो इलेक्शन है वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, निष्पक्ष हैं वो होते हैं, बट फिर भी कुछ समस्याएं हैं इंडिया में, जैसे कि मीडिया की कई बार आता है कि स्वतंत्रता नहीं है, मतलब यहाँ पे मीडिया के ऊपर काफ़ी ट्रायल चले जाते हैं। इसके साथ ही कई बार हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए जाते हैं स्टेट के अगेंस्ट, और कई बार हम डेमोक्रेसी में काफ़ी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट वगैरह को प्रेशराइज करने की भी कोशिश करते हैं। तो मतलब काफ़ी सारी समस्याएं भी हैं, बट जो नागरिक स्वतंत्रता है उसको वैल्यू दी जाती है, मतलब फंडामेंटल राइट को यहाँ पे वैल्यू है वो दी जाती है। तो हुआ क्या कि वो कंट्रीज़ जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन तो करवाती हैं, बट फिर भी वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो कि उसकी कुछ कमजोरियां बन जाती हैं। तो ये जो शासन होगा, ये जो सिस्टम की जो प्रणाली होगी, ये आती है बेसिकली फ्लेवर्ड डेमोक्रेसी, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी है बट डेमोक्रेसी में थोड़ा सा विपरीताभास, या हम कह सकते हैं थोड़ी समस्याएं भी हैं। ध्यान रखना है, इस लिस्ट में आती है यहाँ पे इटली भी इसी लिस्ट में आता है, फ्रांस भी इसी लिस्ट में आता है, बोत्सवाना भी है, और साउथ अफ्रीका भी इसी लिस्ट में है, फ्लेवर डेमोक्रेसी की लिस्ट में ही आते हैं। यूएसए की जो रैंकिंग है वो रही है 25 नंबर पे। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई क्या क्या है फ्लेवर डेमोक्रेसी, क्या होती है, ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, NCAP के द्वारा। देखो, हमारे देश में पोल्यूशन की समस्या वो लगातार बढ़ती जा रही है, बात करें हम मेजर सिटीज़ की या फिर और अदर सिटीज़ की, सब में ही हालात विकट है वो होते जा रहे हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसका मेन मोटो ये रखा गया कि हमारे देश की जो सिटीज़ हैं मेन, अभी तो देखो इसमें सारी सिटीज़ को काउंट नहीं किया गया, बट उन सिटीज़ में जो पोल्यूशन है इसके लेवल को कम करना है 2024 तक। अब देखो, इसमें बहुत से तो प्रावधान बहुत सारे किए गए हैं, बट सारे हमें याद नहीं रखने हैं, बस एक बार हम मोटे मोटे तौर पे उनको देख लेंगे। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये की गई है कि भाई जो PM 2.5 जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, एक होती है PM 10, तो इनके जो लेवल है या इनके जो कंसंट्रेशन या इनकी जो सांद्रता का लेवल है उसको हमें 2024 तक 20 से 30% कम करना है। कौन से रेफरेंस में, मतलब 2017 की कंपेरिजन में 20 से 30% PM 2.5 और PM 10 का रिडक्शन करना है हमें 2024 तक। तो ये इसमें एक मेन बड़ा मिशन है, मेन मोटो इसमें रखा गया है। अब हम बात करें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB है, वो इसको नेशनल लेवल पे मतलब प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे ध्यान है वो देने वाला है। इसके साथ ही बात करें मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो इसकी नोडल एंड सेंट्रल और अपेक्स एजेंसी, मतलब वो इसको बेसिक हम बात करें उस मिनिस्ट्री के अंडर इसको फंड वगैरह या काम है वो किया जाएगा। तो इसका काम क्या है कि हमारे देश की जो मेन सिटीज़ हैं उनमें एयर क्वालिटी मैनेज को एक मतलब टाइम लिमिट के अंदर बाउंडेशन रखा गया है कि भाई आपको 2024 तक 2017 की कंपैरिजन में 20 से 30% PM 2.5 और 10 को कम है वो करना है। तो मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स टाइम लिमिट में बाउंडेशन लगा दी गई है और एयर क्वालिटी को मैनेज है वो करना है। तो ये है एयर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है इको निवास संहिता 2018 के बारे में। अभी देखो, कुछ दिन पहले ही हमने इको निवास संहिता 2018 के बारे में डिस्कस भी किया था कि यह एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है,
कोड का मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से देखो हम फ्रिज कूलर एसी वगैरह खरीदते हैं तो इसमें आता है ना कि रेटिंग कि 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, उसी तरीके से जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी उनमें भी स्टार रेटिंग होगी। मतलब अगर कोई बिल्डिंग है उसको अच्छी रेटिंग मिली हो, जैसे मान लो कि इसी बिल्डिंग को 5 स्टार रेटिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस बिल्डिंग में वेंटिलेशन हुआ वो भी काफ़ी अच्छा है, इसके साथ ही हवा वहाँ पे ढंग से आ जा रही है और दिन के अंदर लाइट वगैरह ऑन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपन है पूरी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे उसमें फीचर्स होने चाहिए। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी उसमें एग्जिट जो कि जो सिस्टम है वो काफी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके के पैरामीटर्स कि देखो उसमें एनर्जी को कंजर्व है वो किया जा सके। अब आप खुद देख सकते हो कि अगर घर में काफी अंधेरा रहेगा तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, अगर वहीं घर थोड़ा खुला खुला हो तो उसके अंदर हमें दिन में लाइट वगैरह बल्ब वगैरह इनके जलाने की जरूरत है वो नहीं होती है, उसके बाद फैन वगैरह भी हम कम यूज करेंगे। तो उसी तरीके से बिल्डिंग का जो कंजर्वेशन है, सॉरी जो बिल्डिंग बनाने का जो कोड है उसको थोड़ा चेंज यहाँ पे किया गया, वो है इकोनिवा संहिता। इसमें होगा क्या कि एनर्जी एफिशिएंस वाली बिल्डिंग है वो बनाई जाएंगी और ये स्टार्ट किया गया था वैसे तो दिसंबर 2018 में। इसका काम क्या, इसका काम देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन और जो होम बन घर बन रहे हैं जैसे कि किसी अपार्टमेंट में टाउनशिप में, उनमें एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट है वो किया जा सके। जैसा मैंने आपको बता दिया कि उनकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वहाँ पे एनर्जी की डिमांड है वो कम हो, इसके साथ ही वो खुली होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, ताकि उनमें कम से कम फ़ैन हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो वहाँ पे करें, तो इससे इन्वायरमेंट को भी लाभ है वो होगा। तो ये इसका मेन मोटो रखा गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके द्वारा इको निवास संहिता है वो जारी है, वो की गई थी, इसके द्वारा एक कोड है वो तैयार किया गया है। अब हम चलते हैं इसके बारे में जो मेन इसका कंटेक्स्ट है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये आया है अभी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सीपीडब्ल्यूडी है उसने एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स के लिए, मतलब इको निवास संहिता के लिए एक कोड है, बिल्डिंग कोड है वो भी जारी किया है उन्होंने एक एमओयू के तौर पर। अब इसमें क्या क्या गया वो देखो हम देखते हैं सीधी सीधी बात। तो पहले हम एक बार ये देखते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सीपीडब्ल्यूडी है वो दो चीज़ है क्या है आखिर। देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये एक स्टेचुरी बॉडी है, आपको ध्यान में रखना है। इसको गवर्नमेंट के द्वारा 1 मार्च 2002 को सेटअप किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। इसका काम क्या है कि हमारे देश में जो भी एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाता है वो क्या जाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, सॉरी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। इसके साथ ही आपको पता है कि इंडिया ने एक स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम भी चलाया गया था जो कि जो भी हम लाइट वगैरह यूज़ करते हैं स्ट्रीट लाइट मेनली उनको एलईडी लाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो प्रोग्राम भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ही चलाया गया था, उसी के द्वारा इंप्लीमेंट है वो किया गया था। ये इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे देश में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो भी काम वगैरह वो इसके द्वारा, पॉलिसी वगैरह हो या फिर कोई नई स्ट्रेटजी लेके आनी हो या फिर कोई रेगुलेशन की बात हो या फिर मार्केट प्रिंसिपल हो, कोई इस तरीके के सारे काम इसके द्वारा ही किए जाते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं इन सबको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाती है और उनके पार्टिसिपेशन में अपनी अहम भूमिका निभाती है ताकि वो अच्छे ढंग से एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम है वो कर सकें। अब हम बात करते हैं सीपीडब्ल्यूडी के बारे में, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में। देखो आपने पीडब्ल्यूडी का नाम तो सुना होगा, पीडब्ल्यूडी नॉर्मल आपको पता है पंचायती लेवल पे जगह जगह बने होते हैं जिसके द्वारा सड़कों वगैरह का काम है वो किया जाता है। तो उसी तरीके से सीपीडब्ल्यूडी का मतलब है कि सेंट्रल लेवल पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसका काम क्या होता है, इसका काम ही होता है कि हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं, वो इसके द्वारा एक तरीके से उनको टैकल है वो किए जाते हैं। सीधी सीधी हम बात करें तो इसके बारे में देखो इसको बनाया गया था वैसे तो आज़ादी से पहले ही बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड डल होजी थे उनके द्वारा इसकी स्थापना है वो की गई थी 1854 में। तो यूपीएससी ये पूछ सकती है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो क्या पहले से भी बने हुए थे या आज़ादी से पहले भी ऐसा कुछ डिपार्टमेंट था, तो जी हाँ बिल्कुल था, लॉर्ड डल होजी के द्वारा जो कि पब्लिक वर्क मतलब जनता की भलाई के लिए। और सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था ये राजस्थान के अजमेर प्रोविंशियल डिवीजन में, मतलब राजस्थान के जिस टाइम पे अजमेर रियासत थी उसमें इसकी स्टार्टिंग है, या हम बात करें कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग है वो हुई थी। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। काम जैसा मैंने आपको बता दिया है कि इसका काम यही है कि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम है उसके द्वारा किए जाते हैं, रोड वगैरह हो या फिर गवर्नमेंट के लिए बिल्डिंग वगैरह बनाना है वो काम इसके द्वारा किया जाता है। अहम चीज़ एक ये फैक्ट ध्यान रख लेना कि अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी इसी के द्वारा बनाई है वो गई है, तो उसमें भी इसका अहम रोल है, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। अब हम देखते हैं जो कंटेक्स्ट था, वो कंटेक्स्ट ये था कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सीपीडब्ल्यूडी ये दोनों ने मिलकर एमओयू साइन किया ताकि बिल्डिंग्स इस तरीके की बनाई जाएं। क्योंकि देखो आपको पता है सीपीडब्ल्यूडी का काम क्या है, बिल्डिंग बनाना, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम क्या है कि जो भी मतलब एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी उनमें एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट किया जाएगा, जैसे कि उनकी स्टार रेटिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इस तरीके के काम इसके द्वारा किए जाएंगे। तो ये एमओयू साइन किया गया है, तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। अब देखते हैं हम आगे, लास्ट एक छोटा सा आर्टिकल आया है वो है
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। देखो तो हम सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करेंगे पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये है कि इसमें जितनी ज़्यादा रैंकिंग है, जितना ज़्यादा स्कोर मिलता है, इसका मतलब कि वो कंट्री के पर्सन है, वो अगर किसी भी अदर कंट्री में जाएंगे तो उतनी कंट्रीज में उनको फ्री मतलब वीजा वगैरह की जरूरत वो नहीं होगी। जैसे मान लो कि इंडिया का स्कोर यहाँ पे हम बात करें, इस बार 81 रहा है, यहाँ पे दिया गया कि 2018 में इंडिया की रैंकिंग हो रही है 81वें नंबर पर। मतलब इंडिया 81 कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जहाँ पे इंडिया के अगर पर्सन जाते हैं तो उनको वीजा वगैरह की या वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी होती है, मतलब उनको पहले वीजा लेने की जरूरत है वो नहीं होती है, सीधी सी हम लैंग्वेज के तौर पर बात करें तो। इस जो इंडेक्स में नंबर वन पे जो कंट्री आई है वो आई है जापान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जापान है वो वर्ल्ड की टॉप कंट्री रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। मतलब जापान के जो पर्सन है वो वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें बिना वीजा के जा सकते हैं। तो वो एक तरीके से हम बात करें तो वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट के तौर पर जापान को एक मतलब दर्जा यहाँ पे दिया गया है। जारी किसके द्वारा किया जाता है या कौन से डाटा के आधार पे, तो ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। जो देखो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसी को तो पता होता है कि फ्लाइट से लोग कौन कहाँ जा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग इसी जाते हैं। तो ये एक इंडेक्स है वो काफ़ी अहम हो जाता है। तो इसके बारे में हमें कुछ फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि रैंकिंग में होता क्या है कि फ्रीडम ऑफ देयर सिटीजन, मतलब वो लोग जो फ्री होकर दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी के द्वारा। ये थी हमारी डिस्कशन। अब हम देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में, यानी NCPCR के बारे में। देखो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि सर जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली हिंदी में डिस्कस किया जाए। देखो मैं आपको कहना चाहूँगा कि UPSC में ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक तरीके से इंग्लिश को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। मैं कुछ लेवल पे इंग्लिश का थोड़ा पता भी होना चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बाकी तो देखो हम ऑलमोस्ट जो हमारी डिस्कशन है वो हिंदी में ही होती है, तो कुछ कुछ थोड़े बहुत फैक्ट हैं वो आप इंग्लिश में साथ साथ करते रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल एग्जाम में ये साबित होंगे। ये देखो हिंदी में कई बार क्या कि क्वेश्चंस काफ़ी मिस्टेक है, इरर आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश में प्रैक्टिस हो तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सही है वो कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है NCPCR के बारे में कि एक नॉन स्टेचुरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देखो हम सीधी सी बात करें, यहाँ देखते ही हमें पता चल रहा है कि गलत है। क्यों? क्योंकि NCPCR है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, तो ये यहाँ पे साफ साफ गलत हो जाता है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया, सॉरी जो पहले स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है वो सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेटर है काम किया जाता है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि NCPCR है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 उसको सेफली ढंग से सेफ गार्ड और एफिशिएंट के तौर पे उसको इम्प्लीमेंट है वो किया जा सके। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। NCPCR का काम ही ये है कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनका वोलेशन ना हो। तो आपको पता है कि हमारे देश का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A कि भाई बच्चे हैं उनको एक्चुअली फ्री एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए 0 से 12th class तक के लेके। तो ये एक अहम हो जाता है कि भाई राइट टू एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट है तो उसका वोलेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको भी है इंप्लीमेंट है उसके तौर पे काम है वो करता है। इसके साथ जो पोस्ट को एक्ट के बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा है वो भी काफ़ी अहम होता है कि भाई उसको भी इंप्लीमेंट करने में इसका काफ़ी अहम रोल है वो होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में। तो इसका मतलब ओनली सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जीका डिजीज के बारे में। दोस्त तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है कि इट इज वायरल इन्फेक्शन और स्प्रेड बाय एडीज एडजेप्टिस मॉस्किटो के द्वारा, मतलब जो एडीज एडजेप्टिस जो मच्छर है उसके द्वारा फैलता है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जीका इन्फेक्शन है वो सेक्सुअली तरीके से भी ट्रांसमिटेड है वो होता है। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि वो ये डिजीज है मतलब जीका जो डिजीज है उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर WHO के द्वारा डिसाइड किया गया। मतलब यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि WHO के द्वारा इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के में रखा गया था। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि WHO ने इसको हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर नहीं रखा था। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा दोनों ही बिल्कुल सही है। आप ये बताइए कि अगर ये जो जीका डिजीज़ है, जीका जो मतलब वायरस है, ये अगर सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है तो बच्चों में कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, इस डिजीज़ का आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये दिया गया है कि है एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कि एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण हेतु मौजूद APMC मंडियों का विस्तार है वो करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसे स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टोरियम के द्वारा क्रियान्वित या इंप्लीमेंट है वो किया जा रहा है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है यहाँ पे सहायक एयर ड्रोपेबल कंटेनरों के बारे में कि अभी आजकल न्यूज़पेपर में एक वर्ड था जिसका नाम है सहायक एयर ड्रोपेबल कंटेनर। तो ये किस रिलेटेड है? पहला ऑप्शन ये दिया गया है
कि ये डाक विभाग द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में पैकेज को जल्दी और सुरक्षित पहुंच वितरित करने के लिए अच्छी क्वालिटी वाले कंटेनर है। दूसरा ट्रीटमेंट यह है कि नौसेना की परिचालन रसद क्षमता को बढ़ाने के लिए कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा ट्रीटमेंट यह है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन में अहम रोल इनका होगा। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि ये वामपंथी गतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जवाबी कार्रवाई को तेज करने हेतु हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति करने वाला एक कंटेनर है। तो अब आपको बताना है कि किस टाइप के कंटेनर की बात यहाँ पे की गई है। तो ये दो क्वेश्चन आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन है और यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछती रहती है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।